आज मैं आपको कक्षा 7 का हिंदी सेकंड पढ़ाने जा रही हूँ, अध्याय 9 क्रिया। तो आइए देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, सचिन क्रिकेट खेलता है, तो इसमें क्रिकेट खेलना, खेलता है, ये क्या है? क्रिया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। इस प्रकार से जिस शब्द से किसी काम या काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। देखिए, वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना जरूरी है। कर्ता को उद्देश्य तथा क्रिया को विधेय कहा जाता है। कर्ता को क्या कहा जाता है? उद्देश्य, तथा क्रिया को हम विधेय कहते हैं। इस प्रकार से आइए देखते हैं धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जब धातु में हम ना जोड़ते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ धन्ना बराबर क्या हो गया? पढ़ना, तो इसमें ना जुटा है। हंस धन्ना बराबर हंसना। इस प्रकार से धातु किसे कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहेंगे। और धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ना, पढ़ धन्ना बराबर पढ़ना, हंस धन्ना बराबर हंसना। इस प्रकार से क्रिया के प्रकार देखिए। कर्म की दृष्टि से क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न लगा हो। क्या हो? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आम मीठा है, छात्र खेलते हैं, तो इसमें कर्म नहीं है। छात्र खेलते हैं तो कर्म नहीं लगा है, तो इस प्रकार से क्या है? अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मधु ने खाना खाया, मैंने दो आम खाए। इस प्रकार से वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसको, प्रश्न जोड़ने पर जो उचित उत्तर मिले वो सकर्मक क्रिया होगी। यदि उचित उत्तर ना मिले तो वह क्या होगी? वह अकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार से कर्म की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब हम सकर्मक क्रिया के प्रकार को पढ़ाएंगे कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्वि कर्मक क्रिया। कौन कौन से होते हैं? एक कर्मक क्रिया और द्वि कर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म दिया हो तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि क्रिकेट खेलता है, तो खेलता क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म क्रिकेट दिया गया है, अतः यह क्या है? एक कर्मक क्रिया है। और द्वि कर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म हो तो उसे द्वि कर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे सेठ ने गरीब को दान दिया, तो इसमें क्या हो गया? दो कर्म दिया है। सेठ ने गरीब को दान दिया, इस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। गरीब पुत्र गौण कर्म और दान पुत्र मुख्य कर्म है। इस प्रकार से ये द्विकर्मक क्रिया हो गया। तो हम आपको क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार तथा सकर्मक क्रिया के जो प्रकार है उसको ही बताया। आगे हम आपको रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार, तो आइए हम बताते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया 6 प्रकार की होती है। पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा कृदंत क्रिया, तीसरा प्रेरार्थक क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, छठवां है सामान्य क्रिया। इस प्रकार से आइए देखते हैं कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा लिया, लिख दिया, रो पड़े, हंस दिया आदि। दूसरा है कृदंत क्रिया।
शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर बनाई गई क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे लिख धनता लिखता, लिख धन आ लिखा, पढ़ धनता पढ़ता, वर्तमान कालिक हो गया, पढ़ धन आ पढ़ा, भूतकालिक। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रजनी माँ से कपड़े धुलवाती है, अधिकारी नौकर से काम करवाता है। इन वाक्यों में धुलवाती तथा करवाता है प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये दो रूपों में होती हैं। चौथा है नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म से गर्माना, खटखट से खटखटाना आदि। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, किसी मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे छात्र काम करके सोया, पुलिस ने दौड़ कर चोर पकड़ा। इस वाक्य में सोया, पकड़ा, रोया मुख्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से पहले काम करके, दौड़ करके, देख करके क्रियाएं प्रयोग की गई हैं, ये पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। सामान्य क्रिया, किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में जब एक ही क्रिया होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम गया, हर्ष दौड़ा। इन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया, गया और दौड़ा है, इसलिए सामान्य क्रिया होगा। इस प्रकार से आइए हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। क्रिया की परिभाषा उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। धातु किसे कहते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, रचना की दृष्टि से क्रिया के प्रकार, संयुक्त क्रिया को उदाहरण से। ये सब आपका अभ्यास प्रश्न है।